नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मकर राशि वालों। दोस्तों आपको बता दें कि 666 साल के बाद क्रोधित हुए हैं शनिदेव जी दोस्तों, और अब आपको अपने जीवन काल से एक बुरी आदत को छोड़ने की आवश्यकता है। जी दोस्तों आपको बता दें कि यह बुरी आदत से आपके जीवन काल में कई परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा था जी दोस्तों, और यह बुरी आदत को अगर आप छोड़ेंगे तो दोस्तों आपके जीवन काल में आप देखेंगे कि दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की होने वाली है। जी दोस्तों यूँ कहें तो इनसे आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। तो दोस्तों आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों इनमें आप अपने जीवन काल के सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि यश में आपको किन क्षेत्रों में कार्य करने से लाभ की प्राप्ति होगी, कौन सी बुरी आदत छोड़ने की आवश्यकता होगी, किन क्षेत्रों को लेकर सावधान भी रहना होगा, ग्रहों के साथ साथ आपके जीवन काल में घर के माहौल में और पारिवारिक जीवन में क्या क्या सुधार होंगे, भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपके जीवन काल में क्या क्या चमत्कार से होंगे। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो भी व्यक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखेगा, गुरु जी का और भगवान शनिदेव का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा, और अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यह समय आत्ममंथन और आत्मविश्लेषण करने का समय होगा। दूसरों के प्रभाव में यह समय आप ना आए और अपने वसूलों और सिद्धांतों के अनुसार ही कार्य करें। आपको बता दें कि आपको वैसा ही सफलता इसमें प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए भी जो समय होंगे, आपको बता दें कि नौकरी अथवा इंटरव्यू आदि में सफलता की आपके योग बन रही है। और इसके उपरांत इसमें अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो आपकी किसी महत्वपूर्ण वस्तु के खोने या फिर चोरी होने जैसी आशंका बन रही है। अपनी चीज़ों की संभाल आप स्वयं ही करें। दोस्तों बनते कार्यों में कुछ व्यवधान यश में आ सकते हैं, परंतु तनाव लेने की अपेक्षा यश में आपको समस्या का हल निकालने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों ये आपके लिए यश में उचित साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों पिछले समय में मिले धोखे की वजह से लोगों पर विश्वास फिर से रखना आपके लिए कठिन रहेगा। निजी रिश्तेदारों के साथ किसी भविष्य संबंधित व्यवहार या फिर पेशे से संबंधित व्यवहार करते समय अपनी क्षमता से बाहर जाकर कोई भी काम ना करें, ये आपके लिए इसमें बेहतर साबित होंगे। आज के उपरांत दोस्तों ये समय प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कार्य करने के लिए जो समय होंगे बहुत ही अनुकूल समय होगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल में जाने का प्रोग्राम भी यश में बन सकता है, तथा शांति भी यश में आप महसूस करेंगे। किसी प्रिय मित्र के साथ उपहारों का आदान प्रदान भी यश में रह सकता है। और उसके उपरांत दोस्तों यश में किसी प्रकार का तनाव हावी रहेगा, परंतु यश में अपनी मन स्थिति मजबूत बनाकर रखें, शीघ्र ही परिस्थितियां समान हो जाएंगी। समस्याओं से घबराने की बजाय उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करें। आपको बता दें कि दोस्तों अपने नज़दीकी लोगों के साथ संबंधों में और अधिक मधुरता लाएं, ये आपके लिए बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में परिवार के साथ संबंध अच्छे बने रहने की वजह से आपको मानसिक समाधान भी प्राप्त होगा। जिन संबंधों को आप गहरा बनाना चाहते हैं उनके प्रति दिखाई हुई निष्ठा आपके लिए उपयुक्त रहेगी। भाई बहनों में भी यश में प्यार बढ़ सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में भाग्य आपको हर परिस्थिति से जूझने की शक्ति प्रदान कर रहा है, अतः समय का भरपूर सदुपयोग करें और अपने निर्णय को ही सर्वोपरि रखें। दूसरों पर अधिक विश्वास करना यश में आपके लिए उचित नहीं रहेगा। शादी दोस्तों सभी जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेने के बजाय उन्हें बांटना भी यश में आपको सीखना चाहिए, क्योंकि दूसरों की समस्याओं में उलझने से आपके अपने व्यक्तिगत काम प्रभावित होंगे, तथा स्वास्थ्य पर भी इनका नकारात्मक असर पड़ेगा। दोस्तों आपको बता दें कि यश में आपको दिखावे की प्रवृत्ति से भी दूर रहना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समझूंगी, आपको बता दें कि दोस्तों मन की चंचलता और स्थिरता होने के कारण किसी एक बात पर एकाग्र होना आपके लिए कठिन होगा। आपको बता दें कि इनकी वजह से आसान काम भी आपको मुश्किल लग सकता है। खुद पर विश्वास रखकर आपको इसमें आगे बढ़ना चाहिए। परिस्थिति कठिन नहीं है, लेकिन मेहनत और लगन दिखाने की यश में आपको आवश्यकता हो सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपको बता दें कि आपको महसूस होगा कि कोई ईश्वरीय शक्ति भी आपको जो है साथ दे रही है या फिर आपके कामों को कर रही है। ऐसा दोस्तों आपके मेहनत के अनुसार ही काम होंगे। आपको बता दें कि अपने आत्मविश्वास और फिर मेहनत द्वारा आप कोई बड़ी उपलब्धि भी यश में हासिल करने में सक्षम रहेंगे। आय के यश में नए स्रोत भी बनने वाले हैं।
इसके साथ दोस्तों कुछ नकारात्मक परिस्थितियां सामने आ सकती है, परंतु आप आसानी से उन्हें हल करने में भी सक्षम रहेंगे, बशर्ते आपको इसमें मेहनत करने की आवश्यकता होगी, चिंताओं को ढूंढने की आवश्यकता होगी कि कहां से इसमें समस्या का हम हल कर सकते हैं। इन पर इसमें आपको ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। इसलिए दोस्तों ये जो समय है, आपको बता दें कि बच्चों का उचित मार्गदर्शन करना बहुत जरूरी होगा। लेन देन करते समय ध्यान रखें कि कुछ नुकसान भी इसमें आपसे हो सकते हैं, और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों काम चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन उसे पूरा करने का उत्साह आपको इसमें सफलता दिलाएगा। बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति देखने की वजह से माता पिता की चिंता भी इसमें कम होने वाली है। प्रगति के महत्वपूर्ण अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। आपको बता दें कि उचित समय पर सब काम जो है पूर्ण भी हो जाएंगे। नौकरी पेशा लोग इस बात का ध्यान रखें कि आपके द्वारा किए गए काम का जो है श्रेय कोई और भी ले सकता है। बेहतर होगा कि अपनी गतिविधियों को किसी के समक्ष जो है जाहिर ना करें। दोस्तों ये समय आपके व्यवसाय के लिए बेहतर होंगे, और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए जो समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि व्यवसाय में आपको अपनी मेहनत के उचित परिणाम भी हासिल होंगे। आर्थिक स्थिति भी इसमें बेहतर बनी रहेगी, परंतु इस बात के इसमें आपको ध्यान रखना है कि किसी अधीनस्थ कर्मचारी की वजह से आपको कोई नुकसान होने की संभावना है। नौकरी में ऑफिस का वातावरण भी जो है अनुकूल बना रहेगा, और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए समय होंगे, आपके करियर के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों यश में महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट भी आपको मिल सकता है, जिसकी वजह से व्यवस्था बनी रहेगी। दोस्तों लोन लेने जैसी स्थिति भी यश में बन सकती है। नौकरी पेशा व्यक्तियों को प्रमोशन संबंधी कोई खुशखबरी भी यश में मिल सकती है। इनसे दोस्तों आपका मन भी यश में प्रसन्न रहेगा, और इसके उपरांत दोस्तों यश में बिजनेस संबंधी बाहरी गतिविधियों पर ज़्यादा ध्यान दें। इनकम का कोई नया सोर्स भी यश में बन सकता है। किसी कर्मचारी की गलती की वजह से कोई काम भी इसमें खराब हो सकता है। बेहतर होगा कि सभी गतिविधियों पर अपनी निगरानी जरूर रखें, और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यश में वैवाहिक जीवन तथा प्रेम संबंध दोनों में ही किसी प्रकार की गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। विवेक से काम लेना तथा लोगों की बातों में ना आना यश में आपके लिए बेहतर होगी। तो दोस्तों इन चीज़ों पर आज में आपको गौर करने की आवश्यकता होगी, ये आपके लव लाइफ के लिए और प्रेम संबंध के लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके घर परिवार के लिए समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए समय होंगे। आपको बता दें घर का वातावरण यश में मधुर तथा अनुशासित रहेगा। सकारात्मक ऊर्जा भी यश में आपके ऊपर आपके घर के वातावरण पर व्याप्त रहेगी। आपको बता दें कि किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात भी यश में आपसे हो सकती है, जिससे माहौल जो है और भी खुशनुमा बन सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि प्रेम प्रसंगों में नजदीकी आने वाली है। डेटिंग पर जाने का अवसर भी आपको मिलेगा। दाम्पत्य जीवन खुशनुमा बना रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों पारिवारिक लोगों के साथ कुछ समय मनोरंजन व फिर इनसे संबंधित कार्यों में जरूर व्यतीत करें, इससे पारिवारिक लोगों को खुशी और उत्साह महसूस होगा। इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें, अर्थात आपकी हेल्थ की, तो दोस्तों इसमें स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। जो है डाइजेशन संबंधी समस्या हो सकती है। हल्का फुल्का सुपाच्य भोजन ग्रहण करें, ये आपके लिए इसमें आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों काम के साथ साथ उचित आराम लेना भी आपके लिए जरूरी होगा, अन्यथा थकान का दुष्प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर इसमें दिख सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि कार्यभार की अधिकता की वजह से पैरों में दर्द व फिर सूजन की शिकायत रह सकती है। उचित आराम लें तथा अपना मेडिकल चेकअप यश में जरूर करवाएं। दोस्तों ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे, तो इन पर ध्यान दें।